ट्रेन हादसा हो गया है रघुनाथपुर स्टेशन के पास। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के किस डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ट्रेन हादसे में 80 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को पटना और बक्सर के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। बड़ा रेल हादसा, दुखद खबर, 4 लोगों की मौत की पुष्टि, कई इसमें घायल हैं। तो ट्रेन डीरेल हो गई, कई डिब्बे पटरी से उतर गए। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। 80 से अधिक यात्री इसमें घायल हैं। बिहार के बक्सर की तस्वीरें ट्रेन हादसे की। और बड़ी बात ये कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। पटना वाराणसी मेमू पास स्पेशल रद्द हो गई है। भागलपुर अमलाई वीकली एक्सप्रेस रद्द हो गई है। मधुपुर आनंद विहार सुपरफास्ट रद्द हो गई है। राजेंद्र नगर नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति डायवर्ट कर दी गई है। तो ये आपको बड़ी खबर, आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर बता रहे हैं। जो एक बड़ा रेल हादसा हुआ बिहार में, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जाने वाली ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। 20 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। भारतीय रेल ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जाने वाली 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया। 13 ट्रेनों को डायवर्ट करने का फैसला लिया गया है। रेलवे के मुताबिक यूपी की ओर जाने वाली ट्रेन संख्या पटना दीनदयाल उपाध्याय एक्सप्रेस, पटना से वाराणसी मेमू पास स्पेशल, भागलपुर अमलाई वीकली एक्सप्रेस और मधुपुर से आनंद विहार सुपरफास्ट को रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की 20 ट्रेनों पर सीधा असर पड़ा है। 13 ट्रेनें डायवर्ट कर दी गई हैं, 7 रद्द हो गई है। डीडीओ स्टेशन से जाने वाली ट्रेनें डायवर्ट हुई हैं। पटना डीडीओ एक्सप्रेस ट्रेन रद्द हुई है। पटना वाराणसी मेमू पास स्पेशल रद्द हो गई है। भागलपुर अमलाई वीकली एक्सप्रेस रद्द हो गई है। मधुपुर आनंद विहार सुपरफास्ट रद्द हो गई है। राजेंद्र नगर नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति डायवर्ट हो गई है। और श्रमजीवी एक्सप्रेस डीडीओ से डायवर्ट हो गई है। बेंगलुरु से दानापुर संगमित्रा डायवर्ट हो गई है। भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला डायवर्ट हो गई है। कौन कौन सी ट्रेनों पर असर पड़ा है, अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से, तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल पंप पर खटतौली का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रयागराज के बालसन चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है ये वीडियो। करीब 6 मिनट की वीडियो में बाइक सवार पेट्रोल पंप कर्मी से खटतौली की शिकायत कर रहा है। बाइक सवार ने 150 रुपए का पेट्रोल डालने के लिए सेल्समैन से कहा था, लेकिन बाइक सवार को जब पेट्रोल कम डालने की आशंका हुई, उसने पेट्रोल चेक करने को कहा। पहले पेट्रोल पंप कर्मी पेट्रोल चेक करने से इनकार कर रहा है। बाइक सवार का कहना था कि वो पैदल बाइक लेकर आया था, गाड़ी में एक बूंद तेल नहीं था, इसलिए बाइक की टंकी से कम 1.5 लीटर पेट्रोल निकालना चाहिए। लेकिन जब पेट्रोल पंप कर्मी ने बाइक से पेट्रोल निकाला, तो बमुश्किल 0.5 लीटर 50 रुपए का पेट्रोल ही निकल सका। यानी कि घटतौली का ये पूरा मामला है, और पेट्रोल पंप पर किस तरह से घटतौली की जाती है, उसका यह वीडियो वायरल हो रहा है। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले के मूल केस पर आज सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा व्यासी तहखाना मामले से जुड़ी केस ट्रांसफर एप्लीकेशन पर भी फैसला आज ही आ सकता है। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। केस ट्रांसफर एप्लीकेशन पर आज अहम सुनवाई, ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर। और कानपुर से सीसामो के एसपी विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले सुनाने पर रोक लगा रखा है। एसपी विधायक और उनके भाई पर अवैध कब्जा करने की नीयत से महिला का घर जलाने का आरोप है। इरफान सोलंकी फिलहाल महाराजगंज जेल में बंद है। और पूर्वांचल के माफिया जॉन बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर भी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी मऊ के बहुचर्चित रामसिंह हत्याकांड में आरोपी है। पिछली सुनवाई पर सरकारी वकील और दूसरे पक्ष के अधिवक्ता की ओर से समय मांगा गया था। आपको बता दें कि मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में साल 2010 में रामसिंह की हत्या हुई थी। और एक और बड़ी खबर, जहां हरदोई पुलिस ने 7 तथा कथित पत्रकारों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
आरोप के मुताबिक सभी कथित पत्रकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करके रंगदारी वसूला करते थे, जिसको लेकर पुलिस ने रंगदारी वसूली के दो अलग अलग केसेस में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी से संगठित अपराध को देखते हुए डीएम के आदेश के बाद गैंग का सरगना दीपक शुक्ला और 7 सदस्यों पर गैंगस्टर में मुकदमा दर्ज किया गया है। इनकी तलाश भी की जा रही है। विगत दिनों में धमकी मारपीट एवं रंगदारी के दो मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। उसी प्रकरण में कोतवाली शहर में डेरी शुक्ला और अन्य 6 साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।